वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इसके साइड में एक छोटी सी घंटी है उस पर भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। सो इससे मेरे स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाएंगे और ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। सो गाइस इसे लाइक इतना सा ही प्रोडक्ट मैं एक वन ड्रॉप मैंने इसका लिया है और इसे अच्छे से अपने फेस पे, नेक पे एंड आईज पे एज आई प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ। इस तरह से आपको इसे यूज करना है, फेस के साथ साथ नेक पर भी अच्छे से अप्लाई कर ले ताकि जब आप फाउंडेशन लगाओ तो वो भी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज ब्रांड का मेकअप बेस। इसमें हमें 6 कलर्स मिलते हैं एंड इसमें मेरी शेड है 01। वाइज यू कैन सी कुछ इस तरह से आता है और इसमें से मैं यूज कर रही हूँ ये शेड और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। उससे ये कितना ज्यादा क्रीमी है। आईलिड पर भी अप्लाई कर रही हूँ। फेस के साथ साथ आपको इसे नेक पर भी अप्लाई करना है। मैं इसलिए हंस रही हूँ बिकॉज मेरा फेस कैसा लग रहा है। सो इस तरीके से आपको इसे यू नो नेक पर भी अप्लाई करना है जिससे मेकअप पूरा बराबर लगे। देन फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड ट्रेंड का फोटो फोकस कंसीलर। सो इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ प्लस डार्क सर्कल्स को हाइड कर रही हूँ। वैसे तो डार्क सर्कल्स है नहीं बट जो भी बचे हुए हैं उन्हें हाइड कर रही हूँ। नाउ मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एडीएस का लग्जरी बनाना पाउडर। सो इस स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अपने फेस को बेक कर रही हूँ लाइक दिस। सो इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फेस को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ज़िवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट इन दी शेड 03 एंड फर्स्ट इसमें से मैं यूज करूंगी ब्राउन शेड। सो गाइस वो ब्लश मैं यूज कर रही हूँ पलाडियो का ब्लश बिकॉज जो मेरा आउटफिट है वो पिंक इन कलर है। सो इसे मैं यहाँ पर पिंक ब्लश यूज कर रही हूँ। सो इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ज़िवाना पैलेट में से ये शेड फॉर ब्लश। लेकिन थोड़ा सा शिमरी काइंड में है तो इसलिए इसे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ ब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रो प्रोमेट इन दी शेड ग्रेफाइट। नाउ अब बारी आती है आई मेकअप की। तो फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये ब्राउन शेड एंड इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
सो गाइस नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ ये टेप। आप मुझसे पूछ रहे थे दीदी टेप कैसे अप्लाई करती हैं, तो इस तरह से सिंपली आप टेप अप्लाई कर सकते हो और आप इसे किसी भी यू नो स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो व्हाइट इन कलर, या फिर आप इसकी जगह ट्रांसपेरेंट टेप जो आती है वो भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई लाइक एंजल्स पैलेट, तो इस कॉम्बो से मिलता जुलता मैं आई मेकअप करूंगी। सो फर्स्ट इसमें से मैं यूज कर रही हूँ ग्रे शेड, क्योंकि जो मेरा ब्लाउज है ड्रेस का उसका कलर ग्रे है, प्लस इस पे गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है, जो इसका दुपट्टा और जो लहंगा है वो पिंक इन कलर है, सो इससे रिलेटेड मैं आई मेकअप करूंगी। सो फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ग्रे शेड। नाउ ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट मैं इसमें से अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेड, अगेन इसे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी। अब एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोनों शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एक मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये हैंगपिन ब्रांड का ग्लिटर। सो गाइस इसका मैंने रिव्यू भी आप सबके साथ शेयर किया है, सो अगर आपने वो रिव्यू मिस कर दिया है तो लिंक आपको उस वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। सो कुछ इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ अब मैं इसे ड्राई कर रही हूँ, सेंटर में मैं पिंक शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ चारकोल ग्रे शेड। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हैंगफेंग ब्रांड का एक ग्लिटर जो कि ब्लैक और ग्रेश इन कलर है। नाउ नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये पिंक ग्लिटर, अगेन ये हैंगपेन ब्रांड का है। अगेन आपको इसे ड्राई करना है। सो नेक्स्ट मैं अगेन यूज कर रही हूँ गोल्डन शेड। सो नेक्स्ट मैं इसमें से यूज कर रही हूँ ये गोल्डन शेड। नेक्स्ट मैं हल्का सा पिंक कलर यूज कर रही हूँ। फॉर लाइनर मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा लाइनर। सो गाइस नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सिवाना पैलेट में से हाइलाइटर। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्विकी की लिपस्टिक जो कि मेरे लहंगे से मैच है, एंड इसमें मेरी शेड है 22। सो गाइस नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी लाइनर। सो लास्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्ले गर्ल का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जिससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो गाइस दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।